गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास हम लोग ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CONH3 6 Cl3, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। इसमें जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट जो है वो इस तरीके से 6 NH3 के साथ 6 NH3 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, और ये बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड होता है हमारा डेटिव बॉन्ड। कौन सा होता है? डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से ये पार्ट कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल। ये पार्ट कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल। जबकि यहां पर 3 क्लोरीन एटम्स हमारे कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ये 3 क्लोराइड आयन्स जो हैं हमारे, ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, और इसी वजह से ये क्लोराइड आयन कैसे होते हैं? आयनाइजेबल। आयनिक बॉन्ड की वजह से ये आयनाइजेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर दो तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयनाइजेबल होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन आयनाइजेबल होते हैं। इसी वजह से हम लोग ने कॉम्प्लेक्स को 3 पार्ट्स में बांटा। जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर मान लो यहां पर ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ब्रैकेट वाले पार्ट पे या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या जिसमें ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आए और काउंटर आयन बाद में आए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। वो हमारे क्या कहलाएंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दूसरे कॉम्प्लेक्स आते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन से आते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसमें काउंटर आयन आगे होता है, इसमें काउंटर आयन आगे कॉम्प्लेक्स पीछे, काउंटर आयन आगे कॉम्प्लेक्स पीछे, जिसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें काउंटर आयन आगे कॉम्प्लेक्स पीछे वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, K4 Fe CN6। बताइए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक है कि एनायनिक? कौन सा है? एनायनिक। वेरी गुड। कैसे पता चला? काउंटर आयन आगे कॉम्प्लेक्स पीछे। चलिए, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक सर। ये कैसा है? कैटायनिक, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आगे काउंटर आयन पीछे। अच्छा, अगर मान लो ऐसे दे रखा है CoEn का होल थ्राइस 3+, बताइए। अरे दिख गया ना सर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये कैटायनिक है। क्या है? ये कैटायनिक है। अरे क्लियर हो गया क्या? क्रिस्टल क्लियर है क्या? आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है,
तीसरा आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तीसरा आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन इज न्यूट्रल, इज जीरो या न्यूट्रल, जिस पे कोई चार्ज, जैसे NiCO का होल फोर, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो ये तीनों कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, इन तीनों कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से, मैं बताता हूं। एक होते हैं हमारे होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, दूसरे हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। एक होते हैं हमारे होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, दूसरे होते हैं हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। अब होमोलिटिक वो होते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, जिनमें एक ही काइंड के लिगेंड्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेस। डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, different kind of ligands are present, जिसमें different kind के ligands present है, वो हेट्रोलाइटिक, जैसे कि CONH3 का whole 6 CL3। अगर आप देखो तो यहां पर एक ही तरीके का ligand है, कौन सा, NH3, कौन सा है, NH3, जबकि यहां पर देखो COEN का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और इस पे चार्ज आ गया 3+। अब देखिए यहां पर दो टाइप के लिगेंड हो गए, एक EN और दूसरा H2O। EN को कहते हैं इथाइलिन डायमाइन, अभी आगे सीखेंगे। EN जो होता है हमारा इथाइलिन डायमाइन, और H2O मतलब वाटर, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट काइंड के लिगेंड्स हो गए। चलो एक और एग्जांपल देख लो। सर एक से समझ में नहीं आया, अरे पीटी ले लिया भैया, पीटी के साथ एक ले लिया अमोनिया, एक ले ली राजकुमारी कल्लो, एक ले लिया बिहारी बाबू, एक ले लिया पायरीडीन PY। तो कितने टाइप के लिगेंड है, चार टाइप के लिगेंड है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब हेट्रोलाइटिक, सेम काइंड ऑफ लिगेंड, ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो होमोलाइटिक। चलिए क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे अगली, फूलों सा चेहरा चेहरा, गेंदे सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, गली के कुत्ते भी है ना। चलो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, सॉरी लिगेंड्स, क्या बोल देता हूं मैं कई बार, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहला आता है मोनोडेंटेट, कौन सा आता है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट कौन से होते हैं, ओनली वन डोनर साइड आर प्रेजेंट, ठीक है, जिनके पास एक डोनर साइड हो, या फिर जिसके लिए बोला जाए जिनकी डेंटिसिटी वन हो। डेंटिसिटी बताया था लास्ट क्लास, डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनर साइड प्रेजेंट इन अ लिगेंड, ठीक है। तो जिनके पास एक डोनर साइड हो या जिनकी डेंटिसिटी वन हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल देख ले सर जी, एग्जाम्पल बताओ, जैसे NH3 हुआ, अमोनिया हुआ, एक लल्ला लोन पेयर है, राजकुमारी कल्लो हुई, एक नेगेटिव चार्ज है, अरे बिहारी बाबू हुए, एक नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव हुआ,
एक नेगेटिव चार्ज है, CH3NH2 हुआ, अरे भैया एक लल्ला लोन पेयर है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इनके पास कितनी डोनर साइड है, एक। कितनी डोनर साइड है, एक। तो जिनके पास एक डोनर साइड होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। चलिए दूसरे दूसरे आते हैं बायडेंटेट, विच हैज टू डोनर साइट। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बायडेंटेट लिगेंड। जिनके पास दो डोनर साइट है, एक है तो मोनोडेंटेट, जिनके पास दो है बायडेंटेट। अरे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया ईएन। ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डायमाइन। अब कैसे बनता है देखो, CH2 यहां पर लग गया NH2। ठीक है, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, तो बताइए कितनी डोनर साइड होगी, दो। वाह सर, ये तो बहुत आसानी से समझा दिया। ऑक्सैलेट OX, ऑक्सैलेटो C डबल बॉन्ड O, कितनी डोनर साइड है, दो। तो इसका मतलब दो डोनर साइड है ना, एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, C2O4 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कौन से लिगेंड हो गए, बायडेंटेट लिगेंड्स। चलिए सर अगले आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which have many donor sites, जिनके पास कई सारी डोनर साइट्स होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है EDTA। इसके बाद डोनर साइट हमने बता रखी है कितनी होती है, 6। इसकी डेंटिसिटी बता रखी है ना, 6। अभी आगे स्ट्रक्चर देख लेंगे, चलो देख ले। इथाइलिन बनाओ, CH2 बना लिया, इथाइलिन बन गया सर। अब यहां पर लगा दिया N, यहां पर लगा दिया N, बन गया एक डोनर साइड ये रही, एक ये रही। एसीटेट, CH2COO negative, एक और लगा दिया CH2COO negative। तो देखो चार तो नेगेटिव हो गया, दो लोन पेयर हो गए, इसका मतलब डेंटिसिटी इसकी कितनी हो गई, 6। और इसके पास कितनी डोनर साइड है, 6। कितनी डोनर साइड है, 6। तो जिनके पास 6 डोनर साइड होती है वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर है, चलिए क्लियर है, फटाफट नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए चलिए देखिए चौथा आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, दीज आर द बायडेंटेट लिगेंड्स which can donate the electron pair from
वन डोनर साइट एट ए टाइम। एक समय में क्या करता है, एक समय में एक ही जगह से डोनेट करते हैं, एक समय में एक ही जगह से ये डोनेट करेंगे, मतलब इनके पास कितनी डोनर साइट होती है, दो, लेकिन एक समय में कितनी डोनेट करेंगे, एक समय में एक से ही डोनेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देख लेते, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, चलिए ठीक है। आ, 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 हाँ, साइनाइड, अगर ये कार्बन से डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे साइनाइडो, अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो आइसो साइनाइडो। मतलब इसके बाद डोनर साइट कौन सा है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी है, लेकिन ये कभी कार्बन से डोनेट कर रहा है कभी नाइट्रोजन से। चलिए और देख लो, NO2 नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N ONO, नाइट्राइटो O, तो कभी नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है कभी ऑक्सीजन से, तो इनके पास दो डोनर साइट होती है, बट यूज वन एट ए टाइम, एक समय में एक ही यूज करता है, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड हमारे क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स। विच कैन चेंज देयर डेंसिटी, चेंज देयर डेंटिसिटी, लिगेंड्स विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी आप बदल सकते हो या जिनकी डेंटिसिटी चेंज होती रहती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। एग्जाम्पल में आएगा SO4 2 नेगेटिव, H2O, H2O4 2 नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, एक्सेट्रा। तो इनकी डेंटिसिटी चेंज होती रहती है, ये अपनी डेंटिसिटी को बदलते रहते हैं, तो ऐसे लिगेंड हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये अपनी सारी डोनर साइट को यूज नहीं करते, मतलब सारी डोनर साइट को यूज नहीं करेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि इनकी डेंटिसिटी क्या होती जाएगी, चेंज। जैसे अब ये इसके ऊपर टू नेगेटिव है तो ये दोनों ही डोनर साइट यूज नहीं करेगा, केवल एक ही करेगा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी डेंटिसिटी देखने में कितनी लग रही है, दो, लेकिन असलियत में कितनी है, एक। मतलब कई बार होता है ना, कई बच्चे कैसे लगते हैं, देखने में सीधे साधे लेकिन अंदर से चालाक लूंबड़ी, तो वही है। तो इनकी डेंटिसिटी बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लास्ट आते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग लिगेंड्स। अब चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स विच कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग, विच कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग टू द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे लिगेंड जो कि साइक्लिक रिंग फॉर्म कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चीलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर नॉट चीलेटिंग, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला बता दूं, नंबर ऑफ रिंग अगर आपको निकालनी है तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी माइनस वन कर देना, तो आपको क्या पता चल जाएगी, नंबर ऑफ रिंग्स। चलिए नोट करिए,
हो गया, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? ये अभी थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है इसलिए बोरिंग बोरिंग है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैं एक चार्ट शेयर करूंगा, या मैंने एक पीडीएफ भेज रखी है, या पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें हमारे सारे जो लिगेंड्स हैं, सारे जो लिगेंड्स हैं उनके बारे में समझिएगा, मैं जो बताऊंगा उनकी डोनर साइट के बारे में, कि वो न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, उनके बारे में वो आपको याद ही करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको उनके नाम भी याद होते जाएंगे, तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग उसे देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलो चलो फिर भी देख लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट यूज होंगे उनके बारे में बात करेंगे। पहला आता है NH3। न्यूट्रल पे चार्ज कितना होगा? जीरो, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? सोचने की जरूरत ही नहीं, जीरो। अब NH3 को प्यार से बोलेंगे अमाइन। दूसरा आता है H2O। H2O को प्यार से बोलेंगे एक्वा। तीसरा आता है PH3, इसको बोलेंगे फॉस्फीन, ठीक है। PH3 इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अच्छा, इनकी जो डेंटिसिटी है वो लिख देता हूं, इसकी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है। अगला CH3NH2 मिथाइल अमाइन, डेंटिसिटी कितनी? वन, ठीक है। NH2NH2 हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन देखने में दो लगेगी लेकिन होती कितनी है? एक, मतलब देखने में दो लगेगी लेकिन होगी कितनी? एक, ठीक है। CO कार्बोनिल, ठीक है, वन ही है, ठीक है, कार्बोनिल बनी है। उसके अलावा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, बनी ही है। O2 डाइऑक्सीजन, सेम बनी है। और दसवां और लिख लो EN, CH2CH2 NH2NH2 इथाइलीन डायमाइन, इथाइलीन डाइअमाइन, इसकी डेंटिसिटी, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऐसे ही अभी धीरे धीरे करके
और जो डेंटिसिटी हो ना वही उसकी ऑक्सीडेशन, वो सॉरी जो डेंटिसिटी है वो उसकी क्या कहलाएगी, डोनर साइट। ठीक है, अब आते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन वो वाले करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला एक्स, मतलब यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, इनको याद करने के लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे आईडी, आईटी या एटीई लिखा हो तो ई रिप्लेस कर देना किससे, ओ से, तो क्या नाम हो जाएगा, आईडी हो, आईटी हो, एटी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सीएल नेगेटिव, देखो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट इसके डोनर साइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइड होता है ना, क्लोराइडो। ठीक है, अच्छा इसकी डेंटिसिटी, वन, सी एन नेगेटिव, साइनाइडो, एसओ फोर टू नेगेटिव, सल्फेटो, एनओ टू नेगेटिव, नाइट्राइटो, एन। ठीक है, ओ एन ओ, नाइट्राइटो, ओ, एसओ थ्री टू नेगेटिव, सल्फाइटो। अच्छा, इसकी डेंटिसिटी वन, इसकी टू, इसकी वन, इसकी वन, इसकी टू। ठीक है, नहीं डेंटिसिटी तो डोनर साइड ही होंगी ना, तो ये सारी ही वन है, ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं। चार्ज इनके ऊपर टू माइनस और ये है लेकिन इनकी डेंटिसिटी वन ही रहेगी। ठीक है, नाइट्राइड, नाइट्राइडो। ठीक है, सल्फाइटो, सल्फाइडो, वन वन ही है डेंटिसिटी। ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोक्सीड, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, एसीटेटो, सी टू ओ फोर टू माइनस, ऑक्सैलेटो। ठीक है, जी एल वाई, ग्लाइसिन होता है ना, एन एच टू, सी एच टू, सी ओ ओ नेगेटिव, डेंटिसिटी टू है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ग्लाइसिनेटो, एन एच टू नेगेटिव, अमाइड, अमाइडो, एन एच नेगेटिव, इमाइडो। ठीक है, एन थ्री नेगेटिव, अजाइडो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये चार जो है इनके याद रखनी है, ठीक है, ये चार जो है इनके याद रखनी है,
ऐसे ही सीओ थ्री टू माइनस कार्बोनेटो, डोनर साइड लग रही है टू लेकिन होती कितनी है वन, डोनर साइड लग रही है टू लेकिन होती कितनी है वन। ठीक है, इतने नाम नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग बताते हैं कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक लिगेंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स लिख दिया है यहां, लिगेंड होगा सॉरी। ठीक है, कैटायनिक लिगेंड जैसे नाइट्रोसोनियम, ईएम ईएम लग जाते हैं, सीएल प्लस क्लोरीनियम, अमोनियम, एक्सेट्रा। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स थे जो आपको मैंने बता दिए। आगे ऐसे ऐसे आते आएंगे, वैसे वैसे हम लोग पढ़ते आएंगे। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और निकालना सिखा रहा हूं, ताकि कल से हम लोग आईयूपीएसी स्टार्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास K4 Fe CN6, यहां पर आयरन की। अब देखिए पोटेशियम की कितनी होती है, 1 × 4 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 × 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 1 × 4 आयरन की एक्स, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है माइनस 1 × 6 कितना आ गया 0। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई प्लस का 2 सॉल्व करने पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, CONH3 का होल 6 Cl, किसकी निकालेंगे, कोबाल्ट की। एक्स प्लस 0 × 6 प्लस माइनस 1 × 3 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3। अगला तीसरा, CoEn का होल थ्राइस 3 प्लस, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज आता है तो उस चार्ज के बराबर, वरना किसके बराबर 0 के। एक्स प्लस 0 × 3 इज इक्वल टू प्लस का, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3। बहुत बढ़िया सर। चलिए, कई बार क्या होगा कि आपको दो दे रखे होंगे, तो आपको एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, ZnCl2 और यहां पर Pt या ऐसे याद रखो, CONH3 का होल 6, CN का होल 6। जैसे अभी जो कोबाल्ट और क्रोमियम, अब कोबाल्ट की मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है प्लस 3, तो बस वही 3 मानो प्लस 0 × 6 प्लस क्रोमियम की कितनी एक्स प्लस माइनस 1 × 6 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का। तो ये चार क्वेश्चन हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को सिखाए हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग लेके आएंगे,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्सेस की अगली क्लास में हम आईयूपीएसी ही करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।